इस वीडियो में टेंसोमीटर के द्वारा टीआरडी में प्रयोग किए जाने वाले टीएनपी इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। टीएनपी इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग करना अति आवश्यक है ताकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के दौरान इक्विपमेंट सही से कार्य करे व कार्य के दौरान संरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह टीएनपी इक्विपमेंट टर्फर है। इसका प्रयोग ओएचई का लोड लेने के लिए किया जाता है। सबसे पहले टर्फर का निरीक्षण किया जाएगा व इसके रोप के स्ट्रैंड्स के कटे या टूटे होने की जांच की जाएगी। रोप को टर्फर में लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा कि रोप टर्फर के लीवर में अच्छी तरह से फिट होनी चाहिए ताकि लोड लेते समय रोप फिसले नहीं। यह टेंसोमीटर है जिसकी रेंज 0 से 5 टन है। टेंसोमीटर की सहायता से टर्फर व पुल लिफ्ट की लोड टेस्टिंग की जा सकती है। अभी हम 1.5 टन टर्फर का लोड टेस्ट करेंगे। लोड टेस्ट करने के लिए हम टर्फर की अधिकतम रेंज से 1.5 गुना ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे। 1.5 टन टर्फर की टेस्टिंग के लिए 2.25 टन तक का लोड 1 मिनट के लिए अप्लाई किया जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ 1.5 टन टर्फर पर लोड धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, जिसे हम अधिकतम 2.25 टन तक बढ़ाएंगे। टेंसोमीटर पर हम लोड को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लोड को 2.25 टन तक बढ़ाया जाएगा। हम देख सकते हैं कि टेंसोमीटर पर लोड 2.25 टन शो हो रहा है। टर्फर पर 2.25 टन का लोड 1 मिनट तक रखा जाएगा। इस प्रकार से टेंसोमीटर के द्वारा टर्फर का लोड टेस्ट किया जाएगा। लोड को 1 मिनट तक रखने के उपरांत धीरे धीरे लोड को रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही टर्फर के लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया समाप्त होती है। इसी प्रकार पुल लिफ्ट का लोड टेस्ट भी किया जा सकता है। धन्यवाद।